अगली खबर है महू से, जहां नीमच हाईवे पर नामली से करीब 1 किलोमीटर दूर भदवासा फंटे के पास कार व बाइक की भिड़ंत हो गई। इससे बाइक पर सवार लहसुन व्यापारी 40 वर्षीय कमलेश प्रजापति पुत्र बालाराम प्रजापति निवासी ग्राम कांडरवासा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और 108 एम्बुलेंस सेवा पर फोन किया, लेकिन करीब 40 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सख्ती दिखाकर जाम खुलवाया। जानकारी के अनुसार व्यापारी कमलेश प्रजापति रविवार दोपहर कांडरवासा से नामली आ रहे थे, तभी भदवासा फंटे के पास कार से बाइक की भिड़ंत हो गई। इससे वो घायल हो गया। फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आने पर ग्रामीणों ने जाबरा की तरफ से आ रहे पिकअप वाहन को रुकवाया व उससे कमलेश को जिला अस्पताल भिजवाया गया। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से नाराज लोगों ने जाम का प्रदर्शन शुरू कर दिया। जाम के चलते हाईवे पर दोनों तरफ 2 से 3 किलोमीटर दूर तक वाहनों की कतारें लग गई। नामली थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने दल के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीण को जाम खत्म करने के लिए समझाइश दी, लेकिन जाम नहीं खोला गया। एसडीओपी संदीप निगवाल भी पहुंचे। लोगों का कहना था कि आए दिन एक्सीडेंट होने पर घायल मौके पर तड़फते रहते हैं, लेकिन फोन करने के बाद भी समय पर ना तो एम्बुलेंस आती है और ना ही पुलिस। टीआई ने कहा कि जाम करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, कहीं समस्या आती है तो लिखित में शिकायत करें, जांच करेंगे। जब लोग जाम नहीं खोलने को तैयार हुए तो पुलिस ने सख्ती बरतकर ग्रामीणों को हाईवे से हटाकर जाम खुलवाया। गंभीर रूप से घायल कमलेश प्रजापति की तबीयत में सुधार नहीं होने पर स्वजन उन्हें जिला अस्पताल से इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए। सिर से गंभीर चोट आने पर इंदौर रेफर किया गया है। एसडीओपी निगवाल ने बताया कि दुर्घटना हुई है तो पुलिस कार्यवाही करेगी। सड़क जाम कर अन्य लोगों का आवागमन बाधित कर लोगों को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। जाम की वीडियोग्राफी की गई है, जांच कर जाम करने वाले के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। पंजाब में भी खड़ी है भाई, खड़ी रहेगा ही ना, रहेगा दे। दूसरा है